देखिए फ्रेंड्स, ये जितने फूल रखे हुए हैं ये सब मेरी छत पे खिले हुए हैं और मैं सब तोड़ के लाई हूँ उनको। और देखिए कितने फ्रेश प्यारे प्यारे से फूल हैं। और मुझे पूजा के लिए बिल्कुल भी फूल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आजकल सोमवार है तो मेरे घर में ही इतने फूल हो जाते हैं। देखिए मेरे घर की पूजा हो गई पूजा है कर ली है अपने घर में और सभी और लोगों हम ने लोग पूजा जा कर रहे ली है, हैं अब क्योंकि सभी मंदिर। का फास्ट है आज और जल्दी ही हम लोग उठ गए थे क्योंकि हम लोगों को आज कहीं जाना है। आप लोगों को भी लेके चलूंगी, देखिएगा हेलो फ्रेंड्स, राधे बहुत राधे, अच्छी जय जगह श्री है। कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, हमारे घर की पूजा हो गई है और आज मंडे का दिन है। हम लोग निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं हम लोग। चलिए, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए हम कहाँ जाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं बहुत ही प्राचीन जगह पर। पहले भी मैंने इनसे पिछले मंडे को भी वहीं मौसम पे भी जाने अच्छा के लिए है, बोला था, लेकिन समय की वजह से ये नहीं जा पाए थे। तो मैंने सोचा इस बार तो ज़रूर ही चलूँगी। आज भी सावन का सोमवार है और हम लोग पूजा उजा करके और वहीं के लिए निकल रहे हैं। बेटे को भी मैंने जल्दी उठा दिया था और इसका भी व्रत है आज। मैं जितना भी मुझे जानकारी है इस जगह के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये स्थान हमारे घर के पास में ही है और बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं। जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन जगह है, जितना भी मैं जानती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। इस जगह का नाम है देवस्थली, देवकली। और यहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में पांडवों के वंशज राजा परीक्षित को श्राप के कारण तक्षत नाम के सर्प ने डस लिया था, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पर राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय सर्पवंश से क्रोधित हो गए तथा सर्पवंश को समाप्त करने के लिए यहाँ पर सर्प आहुति यज्ञ करवाने लगे थे। और सर्प आहुति यज्ञ करने के लिए कुंड खुदवाया था उन्होंने और सर्प आहुति देने लगे। जिस सर्प के नाम की आहुति कुंड में डाली जाती थी वह सर्प खिंचकर कुंड में गिरता था और भस्म हो जाता था। जैसे ही तक्षक सर्प के लिए पढ़ा जाने लगा तब वह इंद्र के सिंहासन से लिपट गया और तब इंद्र का सिंहासन भी हिल गया था और उनका सिंहासन भी कुंड की ओर खींचने लगा। तब इंद्र देवता ने बहुत घबरा गए थे और ब्राह्मण के भेष में रखकर उन्होंने अंतिम आहुति जो है जनमेजय से मांग ली थी। इस तरह तक्षक की उन्होंने जान बचा ली थी। यज्ञ में सभी देव देवताओं को बुलाया गया था। और यहाँ की एक और भी मान्यता है कि जो भी यहाँ की मिट्टी ले जाता है नागपंचमी के दिन, आज नागपंचमी का दिन भी है, और जो भी यहाँ की कुंड की मिट्टी ले जाता है अपने घर में रखता है तो उसके घर में सांप वगैरह अंदर प्रवेश नहीं करते हैं 1 साल तक कहा जाता है। और यहाँ पे सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, बहुत बड़ा मंदिर है, पूरे कुंड की परिक्रमा करनी पड़ती है और बहुत से लोग नहाते भी हैं यहाँ पर जो बाहर से आते हैं। देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। और मैं तो यहाँ पे बहुत बार जा चुकी हूँ क्योंकि मेरे घर के पास में ही है। फ्रेंड, जिसको भी आना हो देवकली स्थल, अगर आपको दर्शन करना है यहाँ का तो आप आइएगा और मुझसे कांटेक्ट करिएगा तो आप मेरे पास मेरे घर पे मिलने भी आ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए यहाँ पे कितना मेला लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग तो सीधे पहले दर्शन के लिए ही जा रहे थे मेन मंदिर में और इस जगह पर हजारों शिवलिंग बने हुए हैं। मैं तो जो हूँ इतनी भीड़ में है, इतना टाइम भी नहीं था, वरना मैं आपको शिवलिंग दिखलाती, क्योंकि यहाँ मेन जो है नाग का ही है तो शंकर जी का ज़्यादा महत्व है। बाकी और भगवानों के भी मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने बेलपत्ती वगैरह खरीद ली है और बहुत भीड़ है। मैं तो सोच रही हूँ कैसे दर्शन कर पाऊँगी। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है, बहुत दूर से ही लाइन दिख रही थी। देखिए बहुत लंबी लाइन लगी थी।
ये कहिए कि मौसम ठीक था आज, थोड़ा गर्मी तो थी लेकिन धूप नहीं थी, थोड़ा बदली सी थी, तो इसलिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। देखिए हम लोग मंदिर में पहुंच गए हैं, ये मेन मंदिर है शंकर जी का, और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। ये जल किसी का कहाँ चढ़ रहा है, मैं भी बिल्कुल भीग गई थी, लेकिन मैंने भोलेनाथ के दर्शन बहुत अच्छे से किए। देखिए ये भी पूजा कर रहे हैं, और हम लोग सब सामान लेके गए थे अपने घर से, तो मौका ही नहीं मिला सही से चढ़ाने का, जैसे तैसे करके चढ़ा दिया सब कुछ, और पूजा अच्छे से हो गई। और बाहर के दूसरे मंदिरों में हम लोगों ने फिर बाद में पूजा की थी। देखिए बाहर का मंदिर है, यहाँ पे कम से कम सैकड़ों शिवलिंग बने हुए हैं जगह जगह पर, और दुर्गा माता का भी मंदिर है। अब हम लोगों ने दर्शन कर लिए भोलेनाथ के और बाहर निकल आए हैं। बहुत मेला चल रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि चलने की भी जगह नहीं थी, लेकिन तो आज मुझे बहुत खुशी है। मैं पिछले मंडे को भी इनसे यही बोल रही थी कि मैं देवकली जाऊंगी, लेकिन ये नहीं आ पाए थे। अब देखिए हम लोग कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं, इसी कुंड में यज्ञ करवाया था सर्प आहूति के लिए। जन्मेजय ने यज्ञ करवाया था, परीक्षित के पुत्र जो थे, राजा परीक्षित के पुत्र थे जो जन्मेजय, उन्होंने ही यहाँ पे यज्ञ करवाया था सभी सर्प वंश का नाश करने के लिए। और इसी वजह से इसी कुंड की मिट्टी ले जाते हैं सब लोग घर में और अपने घर में रख देते हैं, जिससे कि सांप वगैरह घर में नहीं प्रवेश कर सकते हैं, इसकी मान्यता है। और बताते हैं कि अगर इस कुंड में जिसके सफ़ेद दाग वगैरह भी होता है और अगर नहा ले इंसान सच्चे मन से, तो उसका दाग भी सही हो जाता है, मैंने सुना है। फ्रेंड, जिसको भी यहाँ दर्शन करने हो आप लोग आइए, एक बार ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छी जगह है। हमारे घर के पास में बहुत से ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो देखने वाले हैं, जैसे कि नीमसार है, देवकली है, लिलौटी नाथ है, और गोला का काशी मंदिर है। देखिए हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चलना पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ा कुंड है, और जगह जगह पर शिवलिंग तो